Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Prateek, welcome to eTimes TV. How are you? I'm great. How are you? I'm good and dying to be inside the house, waiting. Yes. I am just waiting. I just can't contain my energy anymore. बस क्या बताऊँ, बस हो गया समय पूरा. अब समय आ गया जाने का. Yeah. And tell me कितना excitement है क्योंकि आपका और आपकी mom का हमेशा से सपना था कि यू नो टेलीविजन वाले बिग बॉस में जाना है. वो अब पूरा होने वाला है, कुछ ही पल बचे हुए हैं बस. मतलब क्या बताऊं, उनका हमेशा से ये था कि वो शी वांटेड मी टू शेयर द सेम स्टेज विद सलमान खान और वो अब पूरा हो रहा है. तो मतलब कि अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा. एक्चुअली वो होता ना कि कभी कभार क्या होता है कि समझ में नहीं आता. अभी जब मैं वहां पे स्टेज पे होऊंगा ना, शायद वो तब समझ में आए कि यार मैं सलमान खान के साथ खड़ा हूँ. फक, he's like my favorite actor, my idol, and now I'm standing right next to him. So main kuch kya bolu, matlab mere ko samajh mein nahi aa raha actually ki kya ho raha hai kya nahi ho raha. Jab jo hoga tab main wo dekh lunga, matlab kya bolu us tarah kuch. So basically aap kuch prepared nahi karenge, jo spontaneously wahan par hoga wo hone denge. Lekin mujhe Prateek jo real hai, jo natural hai, jab jo jaisa mehsoos hoga, jab dil mein jo aayega wahi karna hai bilkul, aur wahi ho raha hai. कितना ज्यादा मिस करने वाले नेहा को. एक इमोशनल कनेक्ट बन गया था आप दोनों का और एक बॉन्ड बन गया था. अब उस घर में जब आप जाएंगे, घर थोड़ा थोड़ा चेंज तो लगेगा लेकिन एक साथी मिसिंग होगा. देखो मैं अगर परिस्थितियों में कभी कभार तुम्हारा साथ देने के लिए कोई ऐसा होता है जो तुम्हारा हाथ पकड़ के रखता है, इमोशनली तुम्हारे साथ कनेक्टेड होता है, तुम्हारा एक ऐसा दोस्त होता है जो हर चीज में तुम्हारे साथ होता है, और सडनली अगर वो एकदम से ना हो तो ऐसा. देखो जिस तरीके का मैं इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सपोर्ट की कभी जरूरत पड़ी है पड़ेगी, बट एक मैं इमोशनल इंसान हूँ यार. मुझे मैं बहुत ज्यादा दिल से दोस्ती करता हूँ, बहुत ज्यादा दिल से दुश्मनी भी करता हूँ, तो फर्क तो पड़ेगा. बट ठीक है, सफर चलता रहना चाहिए. सफर चल रहा है. अगर रस्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी. मंजिल पे नजरें हैं अभी और मंजिल के बारे में ही सोच रहा हूँ बस. तो इस बार जंगल थीम होने वाला है, कठिनाइयां संकट बढ़ने वाला है जैसे प्रोमोज में हम देख रहे हैं, उसके लिए आप कितने प्रिपेयर हैं? What doesn't kill me makes me stronger, यही बोलूंगा. अगर जान से नहीं मारेंगे तो भैया फिर तो मार भी नहीं पाएंगे, इतना बोलूंगा बस. अगर एक बारी में नहीं मरा तो फिर नहीं मरूंगा, और फिर मार के मरूंगा, फिर ऐसा हूं मैं. तो देखी जाएगी, इतनी कोई टेंशन नहीं है. प्रतीक, जैसे हम जंगल थीम की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि यू नो चैलेंजेस बहुत होने वाले हैं इस बार, लेकिन हमें पता है कि आप हमेशा से डिटरमाइंड रहे हैं कि बिग बॉस जीतना है. तो आपकी क्या तैयारी रहने वाली है, क्योंकि इस बार तो काफी दुरंधर आएंगे, एक्सपेक्टेड है. खून पसीना जी जान मन तन धन सब लगा देना है. कोई भी ऐसा टेबल नहीं होगा जो अनटर्न्ड होगा. सारे सब कुछ मतलब जो हो सकेगा वो सब करूंगा. और दिल से जो भी हो सकेगा सब कुछ करूंगा. डर किसी बात का नहीं है यार. डर मैं एक बात बोलता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं जिंदगी में फियरलेस हूँ. मैं फियरलेस हूँ और वो अच्छी बात भी है और वो बुरी बात भी है, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए कौन जाए. बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, और बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मैं यहीं पे रहूंगा और यहीं पे ही हूँ और सबके सामने हूँ. जो मर्जी हो जाए, खून पसीना वगैरह किसी चीज से डरता नहीं हूँ मैं. देख ली जाएगी. एंड जब आप ओटीटी खेलकर बाहर आए, आपकी मॉम का रिएक्शन क्या था? हमने देखा आपको बहुत मिस किया आपने उन्हें घर के अंदर. उनके बर्थडे पे भी आप उनको विश करते नजर आए, तो क्या कहेंगे? क्या बहुत मतलब मेरी मम्मी इतनी खुश थी. मैंने उनको फोन किया आते, जब मेरे पास हाथ में फोन आया तो मैंने पहला फोन उनको किया, और मम्मी को मैंने अपने फोन से नहीं, पहले क्योंकि मेरे फोन में बैटरी थी तो मैंने किसी और के फोन से उनको फोन किया. तो मैंने उनको बोला मम्मा, तो उन्होंने बोला कौन? मैंने कहा आपका बेटा बोल रहा हूँ. कहती कौन? आवाज नहीं पहचानी किसी और के फोन से. मैंने कहा आपका बेटा बोल रहा हूँ मैं. तो कहती बोलती कौन? मैंने कहा प्रतीक बोल रहा हूँ. मम्मी चिल्लाने लगी वहां पे कि वो आ गया तुम्हारी. वो मतलब उनकी खुशी देख के मेरे को इतनी खुशी हुई कि भाई एक बेटे के लिए एक सपना होता है कि उसकी माँ उसके ऊपर गर्व करे, उसकी बहन उसके ऊपर गर्व करे और उसकी उसके लिए खुश हो, और आंखों में वो खुशी के आंसू आते ना, मेरे लिए वही जीत है यार. और मैंने वो देखा और मुझे इतनी खुशी हुई, मैं मतलब कुछ बता नहीं सकता कि क्या बताऊं. मतलब वो दिल को सुकून मिलता है ना, जो वो सुकून था, वो सुकून है. या एंड प्रतीक, बहुत सारे फैंस का प्यार भी मिला आपको. टॉप 5 में आके आपने डिसाइड किया कि आपको सूटकेस लेकर निकल जाएंगे, लेकिन बाहर आए जब आपने प्यार देखा लोगों का,
कभी आपको एक पल के लिए भी लगा कि मुझे वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, शायद मैं टॉप टू में होता या शायद विनर भी होता? देखो डिसीजन मैं हमेशा बोलूंगा कि मेरा डिसीजन सही था, मैं किसी चीज से किसी भी फैक्टर से अपने दिमाग को भटका के मैंने वो डिसीजन नहीं लिया। मैंने बहुत ही क्लियर माइंड से सोचा कि मैंने यहाँ पे शो में मैं आया क्यों था, कि मैं बिग बॉस 15 में सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करूं, वो ट्रॉफी लेके मैं घर आ गया हूं, बस मैंने ये सोचा है। और फैंस ने मेरे को और जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, मुझे इस बात की इतनी खुशी है, मैं चाहता हूं कि वो और भी करें, क्योंकि जब बिग बॉस 15 की मैं ट्रॉफी लेके आ गया हूं अगर, तो वो उस बात उस चीज को देख के और खुश हो रहे हैं। आई कैन सी इट आई कैन फील इट कि मैं 15 की बिग बॉस 15 की ट्रॉफी लेके आ गया हूं और वो उस चीज को देख के इतना खुश हो रहे हैं। तो ये OTT की ट्रॉफी जो है, ठीक है, कभी कभी कुछ हारने के लिए, कुछ जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, तो हार के जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं, हारा कुछ नहीं हूं मैं, सिर्फ जीता हूं, प्यार मोहब्बत जीता हूं और मैं मौका जीता हूं और बस ये ट्रॉफी जीत गया हूं, बस मेरे को इतना पता है। एंड प्रतीक, आपकी और नेहा की जो बॉन्डिंग थी उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई, आपने खुद आकर बाहर एक मैसेज भी किया कि हम दोनों की फ्रेंडशिप थी, तो आप सिर्फ एक को टारगेट मत करो और समझो कि ये दोस्ती थी। क्या कहना, आपको लगता है कि आपकी आप लोग का इमोशनल कनेक्ट जो था वो बाहर कुछ अलग तरीके से दिख कर आया? देखिए मेरी दोस्ती निशांत के साथ भी थी, मूस के साथ भी थी, मैं उनसे भी गले मिलता था, ठीक है, नेहा के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती थी मेरी, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि जो बंद दीवारों के बीच में जो माहौल होता है, जो लोग अंदर रहते हैं वही उस बात को समझ पाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से कि क्या अंदर माहौल होता है और कितने मायने रखते हैं। कोई भी लोग जो तुम्हारे लिए इमोशनली खड़े होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं अंदर, जब तुम्हारा अपना कोई नहीं होता और वहां पे अगर कोई अचानक से तुम्हारा अपना बन के खड़ा हो जाए जो तुम्हारे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है, तो वो चीज बहुत मायने रखती है। और वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी की गलती है, किसने मेरे को जज किया, मैं देखो किसी को जज नहीं करता, अगर बाहर के लोगों को कुछ बुरा लगा तो उनको लगा, कंप्लीटली जस्टिफाइड, ठीक है, मैं हर चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन अंदर मैं था, मुझे पता है कि अंदर क्या महसूस होता है, और जब वहां पे बंद दीवारों में ऐसी चीजें ऐसी परिस्थितियों से एक इंसान को गुजरना पड़ता है और तब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तो वो बहुत मायने रखती है। और वो एक बहुत प्योर हमारी फ्रेंडशिप थी, हमने बहुत मस्ती मजाक भी किए हैं और वो सब कुछ बहुत प्योर था। एक मतलब ऐसी दोस्तियां बहुत जिंदगी में कम मिलती हैं जो बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को कुछ भी बोल दो, आज की डेट में बहुत कम होता है ऐसा। आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट एंड मेरे को कोई गम नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है कि वो दोस्ती मेरी हुई, एंड आई वुड जस्ट ऑलवेज यू नो बी ग्रेटफुल फॉर इट। या आपकी बहन भी आई, लेकिन उन्होंने भी आपको एक तरीके से हिंट दिया कि यू नो फ्रेंडशिप और उसके बीच में एक थोड़ी सी थिन लाइन होती है, उसको मेंटेन करो, तो क्या उनके तरफ से भी उनको भी लगा कि आप लोगों की जिस तरीके से आप जितने क्लोज थे, प्रॉक्सिमिटी जो आपके बीच में थी, वो मिसअंडरस्टूड हुई बाहर, उनका क्या कहना था? मेरी बहन जो है वो इंडस्ट्री की नहीं है, वो सिंपल मतलब बहुत ही ज्यादा चीज लाइक उसको इतने सारे, उसने अचानक से देखा कि इतना सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत कुछ आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा घबरा भी गई है, मुझे लगता है वो घबरा गई थी, उसने आगे मेरे को बोल दिया, उसने बोलना चाहा कि थिन लाइन होती है, ठीक है, जो भी है, उसका कहने का मतलब यही था कि प्रतीक तुम्हारी दोस्ती बहुत, मतलब उसने मेरे को बाहर आके मैंने जिससे बात करी उसने मेरे को यही बोला कि प्रतीक तुम्हारी दोस्ती बहुत प्योर थी, बट बहुत लोग जो है उस चीज को सही नहीं समझ रहे थे। लेकिन मैंने उसको बोला कि प्रेरणा अगर बंद एरिया में मैं हूं तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं, मैं कहूंगा कि एक एक इंसान जाके वहां पे रहे, उस चीज को महसूस करे, तब मैं उनसे बात करूंगा हर बारे में कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता और कितनी मायने रखती है कोई भी दोस्ती तुम्हारे लिए, जब तुम्हारे अगेंस्ट सारा घर होता है और तब तुम्हारे साथ एक इंसान वो खड़ा हो जाता है सब कुछ देने के लिए, सबके आगे गलत बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो मेरे को बहुत मायने रखती है। मैं जेन्युइनली उस चीज के लिए बहुत उस चीज को अप्रिशिएट करता हूं, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सबने मुझे बोला और बहुत ही तरीके से इज्जत से बोला कि ठीक है ऐसा 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 है, मैं हर चीज को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि नेहा की अकेली नहीं थी उसमें, नेहा मैं भी था, तो अगर ब्लेम करना है तो मुझे भी करो, नहीं तो किसी को मत करो, एक्सेप्ट करो यार क्या हो गया, मतलब दोस्ती है, एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक प्योर फ्रेंडशिप थी जिसमें हंसी मजाक भी था, सब कुछ था, आंसू भी थे, खुशियां भी थी, सब कुछ था यार, मेरे को इतनी खुशी है कि एंड के टाइम में वो मेरे साथ खड़ी थी यार, तो जब कोई नहीं था, जब कोई नहीं था, मैं बात बोलूंगा तो बस आई अप्रिशिएट इट यार। बाहर आने के बाद भी वैसी बॉन्डिंग है, बातें बातें होती हैं? बिल्कुल हमारी दोस्ती है, बिल्कुल हमारी दोस्ती है। अब ये है कि यार देखो वहां पे 24 घंटे, मैंने एक बात बोली थी कि वहां पे 1000 घंटे अगर हम 40 दिन में इकट्ठे रह रहे हैं, तो अगर एक साल में हमको किसी के साथ एक, अगर हमको 1000 घंटे रियल लाइफ में किसी के साथ बिताने हो तो 3 घंटे अगर हम रोज के बिताएंगे ना, तब जाके एक साल में 1000 घंटे होंगे। राइट, अभी बाहर सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, तो ये है कि ठीक है वो अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी है, मैं यहाँ पे अपने कामों में थोड़ा बिजी हूँ, बट हमारी दोस्ती है और वो हमेशा रहेगी, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा अच्छे और प्योर तरीके से हमारी फ्रेंडशिप हुई है और वो अच्छे दोस्त हमेशा
अगर तो बहुत भी हमारे बीच में लड़ाइयां भी बहुत होती हैं, अगर जब तक कोई गंदी लड़ाई नहीं होती तब तक हम दोस्त रहेंगे, मेरा यही है। एंड बिग बॉस 15 की अगर बात करें, हमने बिग बॉस ओटीटी के स्टेज पे एक प्रतीक को देखा था, अगले दो दिन तक हमने एक प्रतीक को देखा, फिर हमें धीरे धीरे वो टफ एक्सटीरियर के पीछे जो प्रतीक था वो अचानक से निकल कर आया और काफी हाउसमेट्स भी उसको धीरे धीरे अप्रिशिएट करने लगे और बाहर तो जनता उससे प्यार में ही पड़ गई। मुझे बताइए कि जब इस बार आप बिग बॉस 15 में जाएंगे तो क्या उसी तरीके का हमें एक पागलपन और जुनून दिखेगा सलमान खान के सामने भी? देखो पागलपन और जुनून तो बहुत है, अब मुझे पता नहीं मैं स्टेज पे जाके क्या करने वाला हूँ, जब मेरे को मुझे जैसा महसूस होगा मैं कर दूंगा, क्योंकि पागलपन और जुनून इतना भर रखा है ना कि वो ओवरफ्लो हो रहा है, अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाता उस चीज को, पावर ये इमोशंस, पागलपन, जुनून, प्यार और दोस्ती वोस्ती, सब इमोशंस जो भी है मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, मतलब भगवान ने ऐसा लगता है कि पूरा डब्बा ही उलटा दिया, गलती से किया, थोड़ा थोड़ा डाल देते एक चम्मच और पूरा डब्बा उलट गया। तो देखते हैं सलमान खान के सामने, बिकॉज वो उनको मैं बहुत मानता हूँ, मैं उनको बचपन से देखता हूँ एंड ही इज लाइक माय आइडल, सो आई डोंट नो क्या रिएक्शन होगा मेरा, बट पागलपन तो भरा हुआ है, फिर मैं कुछ नहीं सोचता, बस मेरे अंदर पागलपन तो बहुत भरा हुआ है। हम जब बिग बॉस ओटीटी का भी इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने कहा था कि मैं जहां जाता हूं एक लिंकअप सा हो जाता है किसी ना किसी के साथ, फीमेल कंटेस्टेंट के साथ, बट मुझे लगता है वो मैं होने नहीं दूंगा क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है आपको गेम में, ये वो। आपके बिग बॉस ओटीटी के गेम में भी काफी लोगों ने ये कॉमेंट किया टूवर्ड द एंड की प्रतीक जो है वो बहुत जिस तरीके से आया था फोकस्ड वो डूज करने लगा नेहा के साथ गेम में होने के बाद, क्या इस बार भी प्रतीक न चाहते हुए भी किसी ऐसे कनेक्शन में फंसेंगे? जो नेचुरली आ गया वो आ गया, जो नहीं हुआ नेचुरली मैं कोशिश से कुछ नहीं करता, अगर मैं प्यार में पड़ने वाले लोगों में से नहीं हूँ लेकिन वो हो जाता है मुझे, और प्यार मतलब ऐसा नहीं कि मैं अभी नेहा के साथ मेरी दोस्ती थी, सबके साथ दोस्ती है, मैं तो ऐसा हूँ कि मैं दोस्तियां भी बहुत गिन चुन के दोस्तों से करता हूँ भाई, लेकिन इमोशनली एक कनेक्शन हो जाता है जिसके लिए कितना भी इंसान कोशिश कर ले वो फिर हो ही जाता है। तो मैं दिल लगाने वाला इंसानों में से हूँ यार, मैं दिल की बहुत सुनता हूँ, मेरे दिल जो है ना बहुत तेज तेज धड़कता है जब, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सुन लेता हूँ उसकी और फिर जो होगा देखा जाएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी सोचेगा, मेरे को पता है कि मैंने कितनी सच्चाई से अंदर मैं रहा हूँ, कितना रियल रहा हूँ, इससे ज्यादा रियल और सच्चा मैं हो नहीं सकता था, अभी किसी को अच्छा लगे तो अच्छा है, बुरा लगे तो बुरा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी के लिए कोई फिल्टर नहीं डालूंगा अपने ऊपर, अपनी किसी भी फीलिंग या इमोशन को कंट्रोल नहीं करूंगा बिल्कुल भी, जब जो महसूस होगा मैं वो करूंगा, क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो फिर मैं प्रतीक सेजपाल किस बात का यार, फिर मैं सबकी तरह हो जाऊंगा आम, बट मैं प्रतीक सेजपाल हूं इसलिए क्योंकि मेरे जब दिल में जो आया है मैंने वो किया है, इरिस्पेक्टिव कि किसी को अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर, मैं तभी आज अपने आप को अपने ऊपर प्राउड फील करता हूं कि मैंने हर चीज, आई हैव ओन्ड अप टू माय शिट। लास्ट क्वेश्चन प्रतीक, दिव्या के साथ हमने टूवर्ड्स एंड देखा कि चीजें काफी सुलझ गई थी, आप लोग इकट्ठे बैठ के बातें करने लगे जो हमें पूरे सीजन में ही देखा था, नहीं देखने के लिए मिला था, अब क्या इक्वेशन है? बात नहीं हो रही मेरी उनसे, नहीं बात होती, नहीं होगी, पता नहीं होगी या नहीं होगी कभी, क्योंकि पता नहीं बस मैं क्या बोलूं, मतलब ठीक है जो भी है, वो अपनी जगह खुश रहे, अपने हिसाब किताब उनके, अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ, कोई किसी के बिना मर नहीं रहा है यहाँ पे, तो ठीक है सब ठीक है, बस कोई ऐसी बात नहीं है, आई विश द बेस्ट फॉर हर, गॉड ब्लेस हर, बट ठीक है, अब मैं क्या बोलूं, ऐसी कोई बात अब रही नहीं है, जो करनी हो या ना करनी हो तो ठीक है, कोई चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट प्रतीक, वी होप जैसे आपने बिग बॉस ओटीटी में एंटरटेन किया है ऐसे इस बार भी करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।